So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important topic for all those preparing for political science, Rajnitik Vigyan. Or in front of me, a candidate, Mr. Kuvarjit. Welcome Mr. Kuvar. Kuvarjit, today I have not many questions for you. Okay. So are you comfortable in giving the answers? Yes sir. Okay, we have Rituraj. Rituraj is going for NBS from Bikaner and Kuvarjit is from Gorakhpur. Good morning sir. So Kuvarjit, राजनीतिक विज्ञान में मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सर इसको 1946 में गठन किया गया था, जुलाई 1946 में किया गया था। और समिति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? उस समय सी राजगोपालाचारी को अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा अध्यक्ष समिति किसे बनाया गया था? सर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ओके, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, दोबारा बताइए? संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? सर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, और इसके तहत क्या कुछ हुआ था? हाँ सर, इसके तहत भारतीय संविधान में तीन महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया था। इसमें पंथ निरपेक्ष, यस, और समाजवाद, और good, एकता और अखंडता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, राष्ट्रीय अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ओके ओके, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? सर ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत रखा गया है। ओके, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं बता सकते हैं? जी सर, प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्र के उनके नागरिकों को प्रत्येक सरकार अपने कुछ मौलिक अधिकार देती है। ओके, तो इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। वेरी गुड, और कितने संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? सर संविधान में तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जी। उसमें जैसे पहला है समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी गुड, चलिए मैं ऋतुराज को क्वेश्चन दूंगा। ऋतुराज, हैव योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस। यस सर, श्योर। सर संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? ओके मैम, किसी भी देश को संचालित करने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, विधि विधान होते हैं, और एक अच्छा राष्ट्र के पास अगर संविधान नहीं है तो संविधान एक प्रकार नियम ही कानून है, और संविधान नहीं होगा तो वो राष्ट्र सही ढंग संचालित नहीं हो पाएगा। इसलिए संविधान को, किसी भी राष्ट्र को बेहतर चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ओके, मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लगाया गया था? सर मौलिक कर्तव्य जो है भारत में स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। इसे भारत के 42 संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जगह दे दिया गया। ओके, और संसद का निर्माण किससे मिलकर हुआ था? सर संसद का निर्माण तीन महत्वपूर्ण होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अब आप जानते हैं पार्लियामेंट भी न्यू कुछ चेंजेस हो रही है। जी सर, बताइए इसके बारे में। वर्तमान में सर नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो पुराना पार्लियामेंट था उसकी स्थापना 1912 में हुई थी। ओके, उसमें 1912 की स्थिति को ध्यान रखकर संविधान का निर्माण किया गया था, परंतु नई जनगणना 2021 के बाद हमारे यहाँ संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उसके लिए अनुकूल संसद अभी है नहीं। इसलिए एक नए संविधान, नए संसद की स्थापना की जा रही है, ताकि सब जो आने वाले मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो अच्छे से बैठ सके वहाँ पे। ओके मैडम, प्लीज हैव योर क्वेश्चन। यस सर, श्योर। सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यस मैम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में 18 वर्ष के वयस्क व्यक्तियों को मत देने का अधिकार दिया गया है। ओके, और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, इसलिए भारत में निर्वाचन की जो पद्धति होती है उसमें 18 वर्ष के उम्र को वरीयता दी जाती है। ओके, राज्यसभा किसे कहते हैं? सर राज्यसभा राज्यों की एक समिति सभा होती है, जहाँ पे राज्य के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। वर्तमान में 250 मेंबर हैं इसमें, परंतु एट प्रेजेंट टाइम 245 सदस्य ही हैं, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और ये मनोनयन उनके विभिन्न कला, संस्कृत, विज्ञान आदि क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्तियों को ही इसमें स्थान दिया जाता है। ओके, और लोकसभा उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सर लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। ओके, और इसके बारे में कुछ और बता सकते? जी सर, लोकसभा ये जनता की सभा होती है, इसे प्रथम सदन या निचला सदन भी कहते हैं। यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं,
जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ठीक सर, अब मुझे ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताइए। सर, उत्तर प्रदेश भारत के केंद्र में है। बिल्कुल। ये यहाँ की जो मिट्टी है, अगर भौगोलिक बात करें तो ये पूरी तरह मैदानी मिट्टी है। और सर, जहाँ तक आप सब जानते होंगे कि यहाँ जो यहाँ की जो पवित्र नदी गंगा है, जो इसके बीचों बीच से निकलती है। बिल्कुल। गंगा नदी का जो विस्तार है भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से ही होता है। और सर, भारत उत्तर प्रदेश को धर्म नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज, काशी, मथुरा जैसे महत्वपूर्ण प्लेस भी हैं। और वर्तमान में एट प्रेजेंट में आप अयोध्या का नाम जन अयोध्या मंदिर भी बनाया गया है। राइट। इसलिए सर, ये उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान है। ओके। आप पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं? जी सर। ओके। और आप इंटरेस्ट लेते हैं इसमें? जी सर। तो आप किस पार्टी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? वर्तमान सर, मैं किसी पार्टी विशेष को वर्तन नहीं देता हूँ। सब पार्टी में जो जो अच्छी विशेषताएं हैं, मैं उन्हीं को ग्रहण करके उसी अनुसार अपना डिसीजन लेता हूँ। यदि कोई पार्टी अच्छी भी है, अगर उसके अंदर कुछ अवगुण, तो मैं अच्छी को अच्छे पॉइंट भी लेता हूँ और अवगुणों प्रहार भी करता हूँ। ओके। पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने का कोई रीजन आपकी लाइफ में? आपने पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट किया अपनी लाइफ में? सर, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो किसी भी देश को सही ढंग से रन करने के लिए राजनीति विज्ञान, राजनीति का होना बहुत जरूरी है। राजनीति से, क्योंकि कोई भी देश होता है वो बहुत सारे धर्म, लोग, विचारों से मिलके बना होता है। बिल्कुल। और राजनीति एक ऐसा होता, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से सबको जोड़ के, अपनी नई नीतियों के द्वारा इन सबको जोड़ के देश पर शासन किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब चांस दूंगा एक बार ऋतुराज को। ऋतुराज, हैव योर क्वेश्चंस प्लीज। सर, राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री को उसके चयन करने की कोई स्पेशल प्रक्रिया है? मैम, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का चयन जो लोकसभा में चुने हुए जो प्रतिनिधि आते हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का चयन लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक एकल मताधिकार पद्धति के द्वारा चुनाव करके उनका चयन किया जाता है। और क्या इनको पद से हटाने की भी कोई प्रक्रिया है? अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इनके ऊपर अभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ऐसा भी हुआ है अपनी हिस्ट्री में कभी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया हो? ऐसा भारत में तो नहीं हुआ है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। ओके। चलिए मुझे ये बताइए कि महान्यायवादी किसे कहते हैं? सर, महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ओके। और ये भारत सरकार के ये संसद और न तो ये संसद का और न तो मंत्रिपरिषद किसी का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी सदन में बैठ सकता है, उनमें भाषण भी दे सकता है, परंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि बच्चे बहुत से SST से बहुत ऐसा उनको लगता है ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सा है, मालूम नहीं क्यों बच्चे इस सब्जेक्ट को जल्दी से एंटरटेन नहीं करते, तो आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चे खुश होकर पढ़े और इन्जॉय करें आपके टॉपिक को? सर, SST में जो ये पॉलिटिकल साइंस विषय है, ये काफ़ी मनोरंजक विषय है। ये किसी भी राष्ट्र के प्रत्येक विचारधारा को एक जगह सीखने का अवसर प्रदान करता है। ओके। और थोड़ा सा इसमें जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे राजनीति को स्वरूप से राजनीति ऐसा किए हैं कि उसका स्वरूप बिगड़ चुका है, लोग राजनीति शब्द से ही पीछे हट जाते हैं, नफरत करते हैं। इसलिए जब जो व्यक्ति नफरत ही करेगा तो सीखेगा क्या? उसके अंदर जाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी राजनीति करते हैं जो केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए की जाती है। लेकिन अगर राजनीति को राजनीतिक रूप से लिया जाए तो राजनीति किसी भी राष्ट्र का नव निर्माण करने में बहुत ही मदद करेगा सर। ओके। तो क्या आप कोई ऐसे राजनीतिक का नाम बता सकते हैं जो आपके बहुत फेवरेट रहे हो या इंडिया में जिन्होंने बेस्ट काम किया हो? जी सर, बताइए। K.R. नारायण सर। ओके। वो ऐसे एक राष्ट्रपति हुए जिन जो काफ़ी टैलेंटेड, योग्य पर्सन थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनको उस वो स्थान नहीं मिला जैसा उनको मिलना चाहिए। ओके। चलिए फिर मुझे आप ये बताइए कि आप NBS में जा रहे हैं एज ए SST टीचर, और अगर वो आपको बोलते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी चॉइस से डेमो दीजिए, तो आप किस टॉपिक पर डेमो देंगे? सर, मैं मौर्य वंश पे डेमो देना चाहूँगा। मौर्य वंश पे देंगे? ओके सर। इसका रीज़न आपने मौर्य वंश ही क्यों चुना? क्योंकि सर, मुझे लगता है कि जब हमारे कबीलाई सभ्यता से, जब तक हम कबीलाई सभ्यता थे, तो विश्व के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो हमारे देश पे आते थे, आक्रमण कर लेते थे, क्योंकि यहाँ कोई भी राष्ट्र जो होता है बगैर राजा के वो
वो अधूरा होता है। तो एक ताकतवर सम्राट नहीं था तब तक, तो बहुत सारे लोगों ने आक्रमण कर लिया और हमारी सभ्यता को प्रभावित कर दिया। लेकिन मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, इन्होंने एक ताकतवर सत्ता स्थापित की जहाँ से विश्व के देशों को पता चला कि नहीं, अगर यहाँ पे आक्रमण करेंगे तो कोई इसका है, यहाँ पर राष्ट्र राजा है, जवाब देने के लिए कोई है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र को इन्होंने एक अच्छा सेव देने में इनका बहुत योगदान है। ओके, आपकी एजुकेशन बताइए हमें डिटेल में, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ हुई है? सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर। ओके, और सर मैं वहाँ वहीं से। और आपका प्लस टू और टेंथ स्टैंडर्ड आपने कौन से स्कूल से किया है? सर मेरा प्लस टू हुआ है BR इंटर कॉलेज सहजनवा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ओके, और इंटर की बात कर सर, श्री गणेश पांडे इंटर कॉलेज कटघर खजनी गोरखपुर से मेरा हुआ है। आपने अपनी सारी कंप्लीट एजुकेशन गोरखपुर से ही की है? जी सर जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है द क्वेश्चंस वर गुड इनफ, और इनका जो जवाब देने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था, राइट? आज मैंने आपसे पर्सनल एक भी इंटरव्यू नहीं लिया क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू हम आपके ऑलरेडी ले चुके हैं। आज जो बेस था हमारा पॉलिटिकल पे था, एंड यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, कीप इट अप, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत